नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब फिर से जब लोग सतर्क हैं, सचेत हैं, कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के आवास पर आप देख रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तमाम जितने बिहार के मंत्री हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां हो, बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी भी यहाँ पर मौजूद है, तो इन तमाम लोगों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कैसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर फिर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कोरोना काल के दौर में जब लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे थे, उस वक्त इस भव्य आयोजन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग रहा था, रुक रहा था, बड़े बड़े त्यौहार भी लोग नहीं मना रहे थे। लेकिन अब जब कोरोना काल खत्म हुआ है, तो ऐसे में लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के आवास पर हैं, जहां की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कैसे अब इफ्तार पार्टी का जब आयोजन हुआ है, तो इसकी शुरुआत भी हो रही है। तमाम जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी अमित सुबहानी भी मौजूद हैं, उन सभी की मौजूदगी में इफ्तार का आयोजन किया गया है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ खुद पहुँचे हैं, टोपी भी लगाई उन्होंने, साथ में अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन सभी लोगों की मौजूदगी में, सभी नेताओं की मौजूदगी में यहाँ पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, सभी त्यौहार हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। और कोरोना काल के बाद जब एक बार फिर से हम आज़ाद हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, तो इस भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज जमा खां के आवास से हो रही है। तो कोरोना काल खत्म होने के बाद, लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद थे, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अध्यक्ष नारायण सिंह भी मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां के आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। ऐसे में तमाम दलों के नेताओं ने भी यहाँ पर शिरकत की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे होंगे। इस कोरोना काल के लंबे समय के बाद इफ्तार पार्टी में जब पहुंचे नीतीश कुमार, उनका भव्य स्वागत हुआ है, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और ऐसे में अब जब कोरोना काल खत्म हो गया, उम्मीद है हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सभी धर्म समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। नीतीश कुमार इन दिनों जब अपनी निजी यात्रा पर घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी जात धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें। कुछ लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, लेकिन नहीं, उन लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब दिख रही हैं, जब कोरोना काल खत्म हुआ है तो अब दशहरा भी धूमधाम से मनेगा, दिवाली भी मनेगी, ईद भी मनेगी, इफ्तार पार्टियां भी होगी, और ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो समाज के लिए काफ़ी बेहतर है, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।